के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार। बिहार में आई भीषण बाढ़ लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है। सरकार ने बाढ़ राहत कार्यों को तेज करते हुए 16 अतिरिक्त सैन्य कंपनियों को बिहार भेज दिया है। मध्य कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने आज राहत कार्यों का जायजा लिया। राहत कार्यों में सेना के 4 चीता और ध्रुव हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों के 21 दलों को पहले ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा चुका है। वहीं दूसरी ओर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी आज बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। यही नहीं, एक बार फिर उन्होंने राज्य सरकार को इस पूरे मामले में विफल बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल सरकार से वार्ता करने के लिए आज राजी हो गई हैं। ममता ने आज कहा कि वह सरकार से बात करने के लिए तैयार हो गई हैं, पर साथ ही सिंगूर में उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वार्ता और आंदोलन एक साथ चलाया जा सकता है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने बनर्जी को पत्र लिखकर इस मामले में वार्ता करने का आग्रह किया था। फिलहाल लगता है छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक के बाद बाकी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद हिंदी बुलेटिन में का फिर से स्वागत है। उड़ीसा के दंगा प्रभावित कंधमाल जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के बाद आज दिन में कर्फ्यू उठा लिया गया है। दक्षिणी संभाग के राजस्व आयुक्त सत्यव्रत साहू ने बताया कि जिले में सभी 9 इलाकों में स्थिति सुधरने के बाद कर्फ्यू आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उठा लिया गया है। आज कंधमाल में हालात शांतिपूर्ण बने रहे और छिटपुट घटनाओं के अलावा किसी बड़ी घटना की खबर नहीं आई है। वहीं पुलिस महानिरीक्षक आरपी सिंह ने बताया कि कंधमाल के टीकावाली और रायकिया से 2 और शव मिलने के बाद सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। वहीं दूसरी ओर विश्व में 7वीं वरीयता प्राप्त लिएंडर पेस ने आज अपने चेक रिपब्लिक साथी लुकस डलोही के साथ मिलकर अमेरिका में चल रहे यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। पेस लुकस ने अपने तीसरे राउंड के मैच में अपने प्रतिद्वंदी साउथ अफ्रीकी रिक डे और ऑस्ट्रेलियाई एशले फिशर की जोड़ी को 6-3, 6-3 से आसान मात दी। पेस लुकस की जोड़ी अब अगले राउंड में अन्य तीसरे राउंड के विजेताओं से भिड़ेगी। तो ये तो थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, पर बाकी खबरों की आप हमारी वेबसाइट headlinesin.com पर लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।